मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा पहुंचे, जहां उन्होंने 213 करोड़ रुपए से अधिक के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी, जिसमें 61 करोड़ 83 लाख रुपए लागत के 445 विकास कार्यों का लोकार्पण और 151 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत के 82 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर जिला प्रशासन की नवीन पहल डॉक्टर तुमचो दुमार का शुभारंभ किया। हम सब ने दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना की, सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना की, बहादुर कलारिन की पूजा अर्चना की, छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की और राजगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने की है। आदरणीय साथियों, आज 213 करोड़ रुपए के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया और उसके साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करीब 97 घोषणाएं मैंने की थी, उसमें 17 कार्य पूरा हो चुका, बचा शेष कार्य अभी तेजी से कार्य हो रहे हैं और उसके साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मांग बैंक की थी, एटीएम की थी, तो दही कोंगा में, धनोरा में, छोटे राजपुर में सहकारी बैंक की शाखा खोली जा रही है तथा मर्दापाल, अनंतपुर, बड़े डोंगर में सहकारी बैंक के एटीएम की स्थापना कर उसे प्रारंभ किया जा चुका है। जिला मुख्यालय में आदिवासियों की विश्राम गृह का निर्माण प्रगति पर है, साथ ही बहुत सारे निर्माण कार्य के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं माकड़ी और विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय शुरू हो चुका है तथा धनोरा में कॉलेज एवं आईटीआई आगामी शिक्षा सत्र 2023-24 में उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से कोकड़ी में 140 करोड़ के एथनॉल प्लांट का काम तेजी से चल रहा है और उसके साथ साथ करीब से 46,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, 300 लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हम लोगों ने चाहे अधोसंरचना निर्माण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य को हो, स्वरोजगार हो, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है।